अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट वीना मलिक। वेलकम टू मस्तियाँ। वैसे तो रिश्वत खोर मुआशरे का नासूर है, लेकिन लोग फिर भी आदमखोरों से डरते हैं। जब एक 1.5 लाख तनख्वाह लेने वाला अफसर 25,000 तनख्वाह लेने वाले मजदूर से रिश्वत तलब करता है, तो ये भी आदमखोरी के जुमरे में आता है ना। लगता है महजब मुल्कों में रिश्वत खोरों की तादाद बहुत कम है, इसीलिए तो आदमखोरों पर फिल्में बन रही हैं। कैनिबलिज्म कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, इट्स रियलिटी। और इस तरह के लोग अमेज़न और कॉन्गो के जंगलात में पाए जाते हैं। बाय द वे, अगर आपका सामना कभी किसी कैनिबल से हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ वाओ, फाइनली हम पहुंच गए हैं। तभी आया अभी। आओ आओ अभी सुनो, काटो। आपका सांस क्यों फूल रहा है? तभी अभी यहाँ पर दो हिरने जा रही थी, उनका सांस तो नहीं फूला। उन्होंने क्यों चढ़ेगा, साओ गड़ियां सिगरेट पीनी है। मुझे लग रहा है ये एक कपल है और साथ में कुछ म्यूजिशियन। यस यू आर राइट, इज माय हस्बैंड। साड़ी जोड़ी जड़ी ना वायरल होती जा रही है और उन्होंने पहचान लिया कि ऐसी मियां बीवी है। हाँ, जिस तरह से वो आपसे बातें कर रही थी ना, मुझे पता चल गया आप इनके मियां। मेरी जान, मेरी बीवी, मेरी बीवी के दो उस्ताद ने, क्योंकि मेरी बीवी बहुत मशहूर सिंगर होने वाली है। बेटा, हाँ जी, अब मंजिल आ गई है। नहीं उस्ताद जी, मेरे ख्याल अजय मेरी बेगम आगे जाना चाह रहे थे। आखिरी मंजिल आ गई थी। उस्ताद जी, उस्ताद जी, मैंने माफ कर देना। ये आप लोग बहुत तैयारी से आए हैं। दुनिया तो दूर, जिथे कोई सनु पूछण वाला ना होवे, जिथे सिग्नल लांदे होण। उस्ताद जी, हां जी, ऐ सामान ना अंदर रखो, हुण साडा स्टे इत्थे ही। अच्छा भी बेटा, अल्लाह करे तेरा मुस्तकिल स्टे इत्थे हो जावे। काफी देर से स्टैंड पे लगे, थक गए। मेरा एक सवाल है, ये आपकी जो वाइफ है ये वाइट बॉल दे रही है क्या? कई बार मैं नहा के तौलिया इतना टंग तक घंटा घंटा टंगे रहा। साजी थक गए, उठे बैठो। आप दोनों इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे आए, वो तो समझ आ रही है, पीछे दो म्यूजिशियंस की स्टोरी कुछ समझ नहीं आ रही। ये हमारे जंगल से मरवान ले आया मैं। बेटा मौला तेनू लवे अपनी मौजे ते साडा कतलो कर। टंग ऑफ स्लिप सर जी, मैं कह रही सी मैं उस्तादा नु फरान ले आया वा। बेटा लबन टुरे जी, ते किथे ले तानू। देखिए उस्ताद जी, आप हमें गाना सिखाते हैं ना, हम इस खूबसूरत माहौल में आपको योगा सिखाएंगे। हाय, हम आपको गाना सिखाते हैं, आप में खजल करते हैं। नहीं साजी, अल्लाह ना करे। आपको पता है जिस जंगल में आप बैठे हुए हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, अमेज़न। दुनिया के 9 मुल्कों पर मुहित है ये। 9 मुल्कों के हिस्से इस जंगल में आते हैं, और सबसे ज्यादा ब्राजील का हिस्सा है, 62%। और तुम्हें खुशखबरी सुनाई, घंटा हो गया बारिश पे आ रही है, अभी तक कतरा थल नहीं है। ये वाकई सच है, रेन फॉरेस्ट। ये बारिश का कतरा नीचे आने तक ना उसको काफी टाइम लगता है। और ए जदो गुनगुनांदे ने ना, अच्छा ओदो फजा ही और हो जाती। क्या बात है जी, देखो ए थोड़ा जी। बस जंगल नु कुत्ते पै गए बेटा। दैट वाज एक्चुअली नाइस। आपकी आवाज की पिच इतनी जबरदस्त है, मुझे लगता है जंगल में सारे के सारे जानवर परिंदे सब कुछ अलर्ट हो जाएगा। ऐसे जो एको पैदा हुई है, ये अगले जंगल तक गई। हाँ जी, एक एको पैदा हुई है कि टार्जन पैदा हुए थे। वैसे टार्जन वाज द कैरेक्टर वी ग्रू अप वाचिंग मूवीज ऑफ। मेरी आवाज सुन के वो अभी आ जाएगा इधर। अच्छा, ये आपका कितने दिन का प्रोग्राम है जंगल में रहने का? कल ही वापस जाना है। नहीं नहीं, मेरा मेरा लंबा प्लान है, इंशाल्लाह मैं उस्तादों ने सवा महीना करा के फिर जंगल छोड़। सवा महीने के तुम पैसे दे के जंगल छोड़ देंगे। पैसे अपने कोल रख। ताजी खखवाड़े की जुबान है, तुम कह रहा मैं तो दरख्त तो मिट्टी झाड़ी उस्ताद जी। मिट्टी झाड़ी उसे तो कपड़े सुकने पे ने। अच्छा, अपने उस्तादों को आप बड़ा इनके मिजाज के खिलाफ माहौल में लेके आई, वरना आम इंसानों को तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, नदी खुशी दे लेके आए हैं। कभी भी नहीं कह रहे थे कि फजाई मुकाम पे जाना है। फजाई मुकाम कुछ जहाज च बात सानू जंगल च लेके आ गए। आज जीत ही हो गया तानू। कदी तुसी नेवलियां च फलियां पाके खादियां ने? हाय हाय, नेवले ओए घर दा रास्ता भूल जाए तू। अच्छा भी झगड़े है। ओए बेटा, खाने ते नफरत कराने वाले आ, पर चला जा। गल कुछ नहीं, जब तक खासब अपनी लाइन ते नहीं आंदे, मैं जंगलों वापस नहीं लेके जाना। और लाइन ते असी खाने वाले जाना है, मरे जाना दी टाइमिंग सेट हो जाएगी।
ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪੱਤਾ ਖਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਿਲਿਆ? ਹਾਂ ਪੱਤੇ ਖਿਲੇ ਉਸਤਾਦ, ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਤਭੀ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਸੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉਹ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਨੂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਰੋਕੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ मुझे लगता है अपनी बेगम को तो कुछ कह नहीं सकते, वो सब बेचारे म्यूजिशियंस पर निकल रहा है। जनू जिस स्पीड ने तुम्हारे उस्ताद गए ना, मेरे ख्याल थोड़ी देर चुट को टोनकला लभ के ले आएंगे, जंगल में मंगर होगा। देखो मैं तुम्हें साबित कर ली कितनी तुम्हें हाइकिंग दे दी। बुढ़ापे में कितना मुश्किल लगा होगा ना ये। हाँ तुम ना दराना साहब बहुत चढ़ता जी। अच्छा आप अपना पेड़ देखें। तुम जो कुछ कर रहे हैं अपने पेड़ की खातिर कर रहे हैं। अठवां चैनल तब्दील किया है पेड़ की खातिर कर। म्यूजिशियंस आपके जनाब चले गए, आ नहीं रहे ढोलक वाले को। आई थिंक दे हैव रन अवे। तभी हमारे म्यूजिशियंस जिंदा ला हूं माशाल्लाह, ये तो अपने साथ अपना एंटोराज लेके आ गए। अंकल ओए माशाल्लाह, जंगल च भी गल फैल गई। अब तनु कैसे म्यूजिशियन सैदपुर तो ले गयो, वो तू जंगल वाले फड़ ले आयो। आए हाय, ऐसी नहीं पड़े, तेन मौला चुके ना सानू पड़े। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਚੜੀ ਜਾਈ? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੀਵੀ। ਅੱਛਾ, ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਆਪ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਚ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਕਵਾਸ ਮਨ ਕਾ ਬੱਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਵੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਐ ਬੱਚੀਏ, ਜਦੋਂ ਤਿਕਰ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਿਕਰ ਦਾ ਸਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਚਲੀ ਹੈ ਝੂਮਕੇ ਰਾਹੋਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਝੂਮਕੇ, ਆ ਵੀ ਜਾ ਰਾਤ ਚਲੀ ਹੈ ਝੂਮਕੇ। मिस्टर एंड मिसेस, मुझे लग रहा है आप लोग ट्रबल में हैं। बाबा जी, अपनी जीभ बाहर कट। जी तो गुस्से जाते ने जीभ ही बाहर कटाते ने। मैं तेरी जबान वड़ देनी है। अड्डी वड़ो ओदी जेड़ा बस जबान होवे उस्तादा दी वड़ दियो। हां हां, ए स्कूल दी वड़ो जेड़ा सानू इत्थे लेके आया। अब्बा जी दा मुंह ठीक करो, नहीं तो मैं तुहाडियां दौणा ला देसा। ए गाओ गाना। ओ तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦੇ, ਤੂੰ ਚੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ? ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵੇ। ये कैनिबल्स को म्यूजिक में इतनी दिलचस्पी है, मुझे आज पता चला। ओ म्यूजिक तो बगैर भी कोई जिंदगी है काकी। अच्छा, तू कभी प्यार कीता वे ते तैनु पता लगे? तो आपको किसी आदमखोर से मोहब्बत हुई थी? मैं टारसन दे अबू नाल प्यार कर रही सा। ओ टारसन आपका बेटा है? टारसन मेरा मुंह बोला पुत्र है। ओ अच्छा, वाह। आज रात नो वीरो, हां एदा पुलाव पकेगा। ओए तेरी उम्र किन्नी होए? कोई फायदा नहीं पुलाव च पांदा, मेरी मेख नहीं निकल। ये 50 प्लस है, इनको छोड़ दे। हमें कौन कहता 50 प्लस है? अल्लाह दी रहमत, जो तो मलंगी फिल्म लगी है वो तो मैं 25 साल दा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब्बा खा जाओ फिर। लेकिन आपने तो मुझे बताया था आप 37 के हैं। जनू खुदा दा वास्ता हुण ते हाथ छड़ दे। ये मेरा स्टाइल है। तेरे स्टाइल ने तेनु बेवा कराया ना। आप सिर्फ इनमें दिलचस्पी रखती है, वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है। ए तेरी उम्र की है? हां हां, अल्लाह झूठ ना बुलावे, जो तुम मोहब्बत सच्चियां लगी है। मैं कुछ 7 साल दा था। ओए
एड़ा चेसा पीस। वाह 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 वाह, फिर तो बहुत कम उम्र है। चल भैया, चलो बे। माय गॉड, सब तो छोटा है हो ये। नहीं बाजी, तन माला खोज रखे, ए मेरे तो छोटा जी। ए तेरी उम्र कितनी है बाजी? मेरी उम्र तकरीबन 100 साल दे कोल है। मेरे कोल मेरी जी आज जो जंगल च इन्होंने पैर रखे तो मेनू कह रहे थे आ देख मेरी कलदार हूं निकली है। कलाम ते सुना दे। कुछ कीता बाजी नूं सगो हला शरी देने वाली गल है। एहो सुना सुनिए, नहीं ते मैं सारियां दी तौना वढ देंगी। जिंदगी है या किसी का इंतजार, बदलियों की ओढ़नी से चांदनी, जाने किसको झांकती है बार बार। जिंदगी है या किसी का इंतजार। अब प्लीज इसको कुछ मत कह, शी इज क्यूट। थैंक यू सो मच। देखो तारीफ हुई है, मरना भूल गई है। हां हां, इथे खंजर इथे। जिंगला लाहौर, जिंगला लाहौर, जिंगला लाहौर, जिंगला लाहौर। बाजी, अगर आडी बर्म ना बनांदा तो तुसे फेके सो सारे यार। देखे जरूरी तो नहीं ना हमेशा आपको इंसान मिलते हो, कभी नहीं भी मिलते होंगे तो क्या खाती हैं आप? वो तो फ्रूट खा के टाइम पास कर लेता है। तो अभी भी खा ले। आज खा लो, आज कोई प्रूदा दे जहर मल गए। क्लास बंद कर ले अपनी। एक हफ्ता हो गया तुम दस्या सिर्फ फ्रूट खा रहे हैं। दरियावां चो पानी मुक गया, कैसे तुम मच्छी खा लिए? फ्रूट्स हेल्दी होते हैं। फ्रूट्स खा खा के मेरे प्रावा दा की हाल हो गया। वेखो जरा। नहीं नहीं, ये ह्यूमन मीट टॉक्सिक होता है, आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। किथे ए मरे पत्ते हैं जो केड़ा फ्रूट उगड़ाई? बहुत हालात खराब है जंगल के। जंगल दे हालात इतने खराब हो गए ने, हुण ते चिड़ियां भी इत्थे नीचे चहचहांदियां। ओहो, खराब हो जाएगा डॉर्लिंग। बुजुर्ग शिकारिया जी, जी एदे विच की है? अपना यंग लड़ी कुछ भी नहीं। खोल के वहां। कुछ भी नहीं तुझे अभी। और दस की जंगल क्वीन कुछ नहीं देगा। अबे की है बीच। है की है? ये तो जंगल दी वायरिंग करने आया सा। हाँ। मैं ऐसे ही देखा सी राज कितने उस्ताद चार्ज करने पे जाते। भाई सन जान दा रास्ता मिल सकता है? हाय मेरे मौला को पेज वसीला बना साडी जान छुड़ा। कोई तरीका है कि आप इनको छोड़ दें कि जान बख्श दें? नहीं। या आओगे तब तुम टार्ज ना, जब सजना प्लेट में होंगे बरसेंगे आंसू, बरसेंगे आंसू। हाउ हैंडसम इज। कौन बुला रहा सी टार्जन नू? मैं। टार्जन ही आया को फेरा लान आया। कबीलदार तेरे पैरों से आते मेरा अपनी भैन का सुहाग बचा ला टार्जन। ओए छड़ो इन्हें। हाय मैं भी छड़ गया, असे फड़े ने एडी मुश्किल। आपके साथ आपकी बेगम भी है ना जेन, जिसके साथ आपने शादी की या मोहब्बत की? किथे कुड़ी हुण किथे ने? हेलो, मैंने क्यों नहीं दसिया पहले? तुझे तो कह दी तू कल्ला ही जंगला जी फेरला पे यार। आप टार्जन कम और फर्स्ट ब्लड के सिल्वेस्टर स्टालोन ज्यादा लग रहे हैं। टार्जन जंगल में काम क्या करते हो? कुछ नहीं, अपना जानवरों के स्नेहा स्नेहा आ कर दें। देई जी कोई हाथी मरया होवे रस्सा पाके उन साइड ते करता। अल्लाह का खौफ करो यार, कोई इंसान बनो यार। तू रहना है या तेरी बीवी ने रहना है? फौरी दसो। एक बंदा मैं करा सकना बस, क्योंकि मेरा रस्सा मजबूत है। मैंने तुसी निकलना, उठो बाद में करना तेरा रोल। छोड़ रही हूं लव ऑफ लाइफ को, मैंने छड़ के जा रही है। कुड़िया मैं थक गया, तू पाला 2 मिनट मेनू दियो, ये पकड़ो। चलो अब समझो कि तुम रस्से के साथ लटकी हुई हो।
मेरे पीछे पीछे ये कैसा टार्जन है मेरे पीछे पीछे आ जाओ आजा बच्चिया हां जी वाह मेरे पीछे पीछे आ समझो ना सेला लमके लमके आ जी उधर चलो मेरा पुत्र आ गई भी आ गई आ गई देखे जे ऐ जो सच्ची मोहब्बत एक कदम नहीं चुक सकी अपने खामन तो बगैर वापस आई है मेरी बीवी ओ भाई मेरा रस्सा छोटा है सी बाहर ही उतर गए सा उदा घर दूर है मैं किथे तक छड़न जावा मैं नाल ले आया उनु चल कुड़िया आ जा फिर बेचारे को वापस ले आया मैडम इथे केड़ा कोई ऐसी चीज है जेड़े उनु खा जाना ओ चीज है नहीं वैसे इस लड़की के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है वो इंसान इतना प्यार करता है आपसे और आप क्या कर रही हैं एक मिनट ए तेरे हवारी ने हां मैं दो मेरे वीर ने लोग चाशा पीती जगह नहीं नहीं ये भूखे खलोते हैं फिर 8 बजे जंगल खोलदा तो 7:30 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲੈ ਤੱਕਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਛਲਜਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਪਕਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਅਰੇ ਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚ ਆਣ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਮਦ ਗੈਪ ਕਰ ਲੈ ਲਈਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸकी ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚ ਆਲੂ ਪੈਣਗੇ ओए टार्ज़ना ओदे कपड़े इस्त्री करा ले चला ओनु शेर खा गया है सीरियसली ये हस रही है कि रो रही है ओ मैडम जी तुसी हस रहे हो ताडे बंदे नु शेर खा गया मैं इसीलिए तो उसे जंगल में लेके आई थी माय गॉड व्हाट अ प्लॉट ट्विस्ट टेंशन ना ले मत टेंशन ना ले मैं हमाम ते छड़ गया हूं नहा रहा है यहां पे वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का स्टे ट्यून्ड वेलकम बैक टू मस्तियां सेगमेंट है हमारा मीम्स ऑफ द वीक और आज की हमारी पहली मीम कौन सी है प्लीज वैसे मैंने समझ लगदी कि ये मीम ਕੀ ਨਵਾਂ ਸੋਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮੀਮਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਫਰੀ ਭਾਈ ਉਸਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਨਾ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਸੇ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਇਹ ਜੋ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇ ਤੋ ਮੀਮਸ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮਨੇ ਉਨਕੋ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੀਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੋ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਦੇਖੇ ਵਾਹ 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 Well done, यार, कैफी। ऐ तेरी गाल मैंने समझ आई है। जी सर। के यंग जनरेशन वेहती है। जी सर। ते सरदार साहब ते गए ना फिर। सिर्फ सरदार साहब। ओ स्लैंग उड़ाओ ना पूरा। ते रूबी ते उस तो पहले गई ना। की मतलब? एड़ा तू चूचा। उन्हु कह जिने अधे घंटे दी स्पीच दित्ती है। आपका अजर गीले के बारे में क्या ख्याल है? वो तो खैर उन्हा तो भी पहले ने ना। बहुत अच्छे भाई। हाँ जी। और तुझे उधर लेके जाओ गल जी जिधर मीम कमीन पई ने। मैं ते और गला कीती जा रहे हैं। मीम्स बच्चे बूढ़े सब एंजॉय करते हैं। आप लोग फिक्र ना करें सारे के सारे। तो फिर चले अपनी पहली मीम की तरफ। आइए चलते हैं। चलिए। जी। भला क्या है? दौरे हाजिर में वही शख्स सर उठाकर चल सकता है जिसके पास मोबाइल नहीं। लिटरली अगर कमरे में 8 लोग बैठे हैं 10 लोग बैठे हैं 15 लोग बैठे हैं सब अपनी स्क्रीन्स पे बिजी होते हैं जी जी बिल्कुल मेरे कार को इंज करे यकीन करो मैं छतरा नाल कट दिया रियली हालांकि आप खुद कर रही होती हैं आप हर वक्त तो मोबाइल में अब आप व्हाट्सएप पे आ गई हैं पहले नहीं थी अच्छा बस एक सच्ची बात बताऊं ये जो नई जनरेशन है उसके ऊपर ये इल्जाम लगा हुआ है फोन को ज्यादा यूज करने का आई लिटरली कसम से और थोड़ी देर के लिए इंटरनेट बंद करके देखें आप पूरा खानदान इकट्ठा हो जाता है अदरवाइज किसी को ढूंढना घर में मुश्किल काम है कौन कहां बैठा है देखो ना 24 घंटे टिकटॉक देखते रहते हैं है ना ਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਸੀ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟੌਕ ਇਹ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੌਣੀ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਸ ਟਿਕਟੌਕ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਤੂੰ ਕਿ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਅਬ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਅੱਜ ਸੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਪੇ ਲੋਕ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਵੈਟਰ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਸੱਚ ਆਈਏ This was the favorite so far. अगली मीम कौन सी? मेरे डॉक्टर ने मुझे घास पर चलने का मशवरा दिया तो मैंने उनकी फरमाबरदारी करते हुए घास वाली चप्पल बनवा ली और यह जी कुड़ी ने तड़का लाके दे रौला पाते हैं घर में धमाके हो गए राती सुती उठी है सवेरे पता लगा चप्पल बकरा खा गया
अच्छा भाई मैं अपने डॉक्टर के कहने पे बहुत अमल करती हूँ। अच्छा ये डॉक्टर्स पहले घास पे चलने का मशवरा क्यों दिया करते थे? कहने ने कि अखा तेज होंदिया ने हटदे और तू किनिया को तेज करनी है तू ना फिर तेरी मेहरबानी मैं अखा आगे बहुत तेज ने वे मैं तो सवेरे सवेरे बागे जिना फिरनी हां। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं वीना जी प्रॉब्लम ये है कि जब आप पार्क में आप जब जाते हो ना तो वो सुबह की वो जो क्या बाबू साहब वो जो ड्यू पड़ी होती है ना तुबके वाली तो जो आप नंगे पांव उसके ऊपर चलते हो ना तो एक पड़ती है एक अजीब सा आपको आपकी बॉडी को सारी बात सही बोल के एंड पे जो कहा ना आपकी बॉडी को और जफरी सर का बंदा है शर्ट लाके पहले तर्जमा करा रहे हैं ये पता तो करो लिखा गाला ने बॉस लिखा बॉस। डॉक्टर्स मोस्टली ऐसा मशवरा देते हैं ना पुरफजा मकाम पे चले जाएं घास पे नंगे पांव वॉक करें दिस वेरी हेल्दी एक्चुअली। एक टाइम आया कि मुझे ना डॉक्टर ने कहा 15 दिन आप मट्टी पे पांव नंगे पांव चलो और 15 दिन घास पे ओस पड़ी हो तो मुझे बड़ा मजा। अच्छा नहीं मुझे लगा आपको 15 दिन मट्टी पे लेटने का मशवरा था कि लेटनी है लो ऐसे करके वो तो गधे लेते हैं पागल इंसान है नहीं है। अच्छा पाले मैं गल दसी तो नोटिस नहीं लिया वो बकवास बात थी ना इसलिए घास पे चलना चाहिए मट्टी पे नंगे पांव चलना चाहिए जी बिल्कुल। और कभी आप ग्राउंड पे बैठ के देखे लेट के देखे बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस यू फील सो सीरीन बहुत अच्छा लगता है। मैं कहना वीना जी तुसी जिंदगी दा कदी मजा लेना ना तुसी ते तुसी कच्ची मिट्टी ते ना जी पानी तरम के ते उसमें से खुशबू आती है। मैं कहना तुसी ओ खुशबू लेनी है जे ताडियां हजारा बीमारियां दूर ना होए ते फिर कहना तुसी। और जिस तरह ये जफरी साहब कह रहे ना कि वो आंखों के लिए बड़ी अच्छी थी आप ये देखें कि जब आंखों का ऑपरेशन होता ना तो आपको हरी पट्टी देते हैं। वाकई बड़ी अच्छी तुसी कहे कि ओनू हरी पट्टी देखो दी अख ते पवांदे ने यार ग्रीनरी ग्रास इज लाइफ। ਭਾਜੀ ਘਾਹ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਈਏ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਾਹ ਮੀਨ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਘਾਹ ਹੈਗਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਘਾਹ ਹੈ ਮੇਥੀ ਪਾਲਕ ਮੂੰਗਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਚਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ घास नहीं खाते वो इसलिए तो कल फ्राई अंडा खा रहे सब यार वो जानवर एक मिनट वो जानवर घास खा रहे होंगे जो घास नहीं खाते नहीं नहीं मैं बात पूरी तो वो लेने दिया करें वो जानवर घास खा रहे होंगे जो घास नहीं खाते जो जो गोश्त खो रहे हैं ठीक है वो इसलिए क्योंकि जब उनका पेट या निजाम खराब होता है ना तो वो उस तरफ जाते हैं। अयूब मिर्ज़ा दे जिहड़े तुसीं चेहरे ते देख रहे हो ना बेरौण की जानवर दी बद्दुआवां ने क्यों इन्हें मजा रखी होंगी इस भाजी अगे सुके पट्ठे पाके तो उन्होंने हरियां अनखा लाती लेकिन यार जानवरों के साथ धोखा बेचारियां धोखे ना खाई जा रही कहते अच्छा बेड़ा अगर कोदा हो पट्ठे हरे ने स्वाद तूड़ी का अंडे असद कैफी वर्ग का मुंडा बीमार हो रहा है तो डॉक्टर कहता है आपको पहाड़ी मुकाम पे जाना चाहिए और यू वर्ग का बीमार हो रहे तो उन्हें कहते भाजी को लाहौर से गंदी जी जगह लग के तो घंटा फिर करो और अजर इतने हो जा लेला लैके आया माशाल्लाह हैं दो पकाने ले ले तो सिंगा ना बने ने लेला उड़ पिया ना आलियों शदरे जाके शरे मारे ते लेला थले आया अदर वर्ग का बंदा बीवी को चंगी तरह फेंटी खान तो बाद वेगी लाल अंदर ए हुण कोई या कर ले मैं तेरे दादी दी उम्र तो वड्डा ए चिट्टे नहीं लाल रख अगले मीम की तरफ चले हम मेरे ख्याल में जी फौरन जी नेक्स्ट मीम क्या है। हम पाकिस्तानी लोग ब्रेड फ्रेश है या नहीं जानने के लिए एक्सपायरी डेट की बजाय ब्रेड को दबाकर देखते हैं। ये दबा के देखने में कोई ऐसा आर नहीं है मतलब ये उसकी डेट कोई भी लिख सकता है लेकिन उसको जो हाथ से चेक करना वो उसको अपना ज़हन मुतमिन हो जाएगा। नहीं नहीं हाथ से डेट कोई भी लिख सकता है नहीं होती डेट बाकायदा चीजों के ऊपर लिखी होती है उनकी एक्सपायरी होती है। मिर्ज़ा साहब लेके आए ने डबल रोटी दबा के देखो डबल रोटी का पीस लंबे पै गए इससे जरा मेरे मोढ़े भी घुट गए याद हो गई है मोढ़ा घुटे डबल रोटी अगो सगो इंज होर चौड़ी हो गई कहती मैं पुत इधर भी आता वा अद्धा घंटा एक पीस ने कटाया है इन्हों को फिर इन्होंने जैम लाया कहती मैं पुत्र एक मिनट ठहर जा मेरा गोडा निकल गया। Shall we go towards the next meme, please? जी, please. ये बहुत अच्छी मीम है हॉर्न आहिस्ता बजाएं अवाम सो रही है हॉर्न आहिस्ता बजाएं अवाम सो रही जैसे आपने बताया था कि मुंबई में मुंबई जी वाह लता मंगेशकर क्या बता रहे थे मुंबई में रोड तो लंघे अच्छा बड़ी खुशी उसे लिखे यहाँ हॉर्न बजाना मना है यहाँ लता जी रहती
मेरे घर के बाहर लिखा हुआ कि बैल ना बजाना, क्योंकि रूबी इस वक्त अपने खामत को बजा रही है। Well, though it's very funny, लेकिन on a serious note, मुझे ये personally बहुत पसंद है ये meme, क्योंकि as a nation, no matter, कुछ भी हो जाए, अवाम सोते रहते हैं। जी जी जी, बड़े We sleep. और वैसे भी आपने सही कहा, बड़े से बड़ा हादसा हो जाए, वाकया हो जाए, हम लोग चार दिन के बाद भूल जाते हैं, सो जाते हैं। यार तू मेरी एक मिनट गल दस, तू क्यों एडी सीरियस लाइन लेके आना? पिछले दिनों अबू बकर साहब के घर अल्लाह ने बेटा दिता है, ते भैन साडी ने अज बेटा वहाया, ते उस तो बाद इस किस्म का चापड़ पिया इहनू, बेटे नू वेख के करे बस बहुत मिले रख के तवा मुंह ते मारे कि इत्थे ते खुल के स्माइल दे दे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਟਾ ਹੋਇਆ ਟਾਇਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। And the last meme is, government से अपील है कि नादरा के कैमरा पर स्नैपचैट इंस्टॉल करवाएं। अच्छा वैसे ये नादरा की फोटो जो है ना, ये कोई कितना ही हसीन इंसान क्यों ना, अजीब सी आती है। मेरी ये छोटी कटिंग है ना स्टेज ते, ते वो कटिंग दे विच मेरी एक फोटो पासपोर्ट दी है जी। वो गोरा कहिंदा वाकई एक्टर है। मैं अपने लो फुल तैयार होके फोटो लुवाई सी, बस फिल्टर लग जाना चाहिए। कहिंदा पहले घर नलके तो लुआओ, रेत वाला पानी पीन रहे हो। और आपको पता है कि हमारे जो टीम है ना, उसमें सबसे ज्यादा फिल्टर कौन यूज करता है? कौन? अजहर अंगीला साहब। ना कर, यकीन करें आप, आप देखें, मैं पिछले दिनों नादरा के दफ्तर गया तो शनाख्ती कार्ड जरा डेट एक्सपायर हो गई थी, मैं कहा नया बना दें, माशाल्लाह। मैंने उनको कहा कि जरा तस्वीर बनाए, तो उन्होंने मुझे चांस नहीं दिया, मैं कह रहा बाल ठीक कर लूं ऐसे करके, वो क्लिक करके कहते बस जी नेक्स्ट। तो इनकी शनाख्ती कार्ड पे फोटो पता कैसे? अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊं? जी जी। मेरे फिंगरप्रिंट नहीं आते जी। क्यों नहीं? एज के साथ खत्म हो जाते हैं। बाकी बाकी जब बंदा सब्जी लेने जावे ना, रेट पूछदा होती है, किलो गाजरां खाई ना। यहां मिलेंगे हम एक ब्रेक। वेलकम बैक टू मस्तियां। हमारे क्लासिकी मौसीकी के घरानों और सियासी जमातों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में क्यादत खानदान से बाहर नहीं जाती। वैसे मौरूसी सियासत बहुत अच्छी चीज है अगर मुल्क और कौम की खिदमत के लिए की जाए। हमारे डमी स्टूडियो में आज दो सियासी शख्सियात मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बिलावल भुट्टो जरदारी एंड कायम अली शाह। सर देंगे हम, खून चाहिए, खून देंगे हम। Where is Kayam Ali Shah साहब? वो रास्ते में कहीं रुक गए थे, उन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी। No problem, you are here. भाई आप सब बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। छोटी तोती वड्डा टावल, साडा बलावल, साडा बलावल। थैंक यू सो मच, आपको भी कुछ मिलेगा। मैं तो बलावल दी शुरू तो फैन हाँ। मेहनत मेरा सच्ची मुची पांजा लगना है। थैंक यू। सस्ते हो गए मीठे चावल, साडा बलावल, साडा बलावल। वेरी गुड, गरीब आदमी तुम्हारे लिए भी कुछ करेंगे। अच्छा बिलावल, aren't you against nepotism? आप देखे ना मौरूसी सियासत कर रहे हैं आप। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे, ये बाजी, ये बाजी, ये बाजी। देखिए वीना, बात पता है क्या है, मौरूसी सियासत की बात हरगिज नहीं है। मौरूसी सियासत कोई बुरी चीज नहीं है, अमेरिका में भी चलती रही है। यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मेरे साथ रहा करो। अबू बकर को ओहदा मिलने वाला है आज। नहीं नहीं, मैं ओहदा नहीं चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में भी मौरूसी सियासत चलती रही है, हमारे यहाँ भी चलती रही है, लेकिन काम अच्छा करना चाहिए। छोड़ दो मुझे, खबरदार, मुझे वीना से मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। देख लूंगा, हटो, चक काट दूंगा तो चल पीछे। ओहो सर आगे गाना पूरा होने दो वीना, इतने अरसे बाद आपके साथ मुलाकात। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। शाहजी आप गुलदस्ते के पीछे छुप गए हैं, बाहर आए, छुप गया हूँ। भंवरा हमेशा फूल के पीछे छुपता है। आप बैठे, बी सीटेड। आइए कायम अंकल, आ जाइए। साहब क्या हाल है? I'm good.
बिलावल भाई माशाल्लाह तुसी बाहर पढ़े लिखे हो, आला तुसी तालीम हासिल कीती है माशाल्लाह। कभी गुल्ली डंडा खेडे है तुसी? गुल्ली डंडा, एक्सक्यूज मी एक मिनट, जो सवाल होगा मुझसे होगा, मैं इनका जवाब देने वाला हूँ। इनकी मर्जी। एक मिनट, गुल्ली डंडा वही ना, जितना सा डंडा होता है बीच में गुल्ली करके शॉट मारते हो, टोल कहते हैं, मुझे क्या पता। साईं, अगर आप सियासतदान ना होते तो आप क्या होते? कुछ नहीं, घर च चाह दी पौनी दी जगह ते काम करते होंगे। ये मेरे दिल के बहुत करीब सवाल है जो आपने पूछा है। मैं अगर सियासतदान ना होता तो मैं एक मुसव्विर होता और आपकी तस्वीर बनाता। ओह माय गॉड, एम एफ हुसैन। तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बाना लबे आए। माशाल्लाह, लगता 15 किलोमीटर दूर ट्राली जा रही थी, उत्ते गाना चल रहा है। अगर मैं सियासतदान ना होता फिर भी मैं सियासतदान ही होता। बिलावल भाई, कभी अंडे शामी वाला बर्गर खाता बहुता प्याज पा के? ओह माय गॉड, अंडे शामी वाला बर्गर कौन सा होता है भाई, मुझे बताओ। जरूर ऐसे करके बनाते ने इंज। आहा अभी बन रहा है। My God! Wow! 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 उनमें मैं भी शामिल हूँ। यही अदा आपकी पसंद है कायम अंकल, प्लीज आपने हमेशा हमारे साथ रहना है। मैं आखिरी दम तक आपके साथ हूँ। कितना को रह गया मेरा? ताजी, ना कोई म्यूजिक, ना गाना, ना कोई शायरी, क्या वजह आज आप मूड में नहीं है? शायरी ऐसी कायम अंकल, प्लीज कुछ सुनाइए ना। अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। अर्ज करे, अर्ज करे। जबान तो खोल, नजर तो मिला, जबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जवाब दे ना बस। हो गया भाई, वाह वाह, क्या शेर है जी, वाह। नहीं जी, उन्होंने साई ओना को आंदा उठे शेर मुकाता उन्होंने। मेरी तरफ से जवाब है। अजो सिंध सड़कों ने तुम्हारा शेर लिखा है। कौन सा? गाड़ी आस्ता चलायो अगते मोड़ा है। बिलावल भाई, कभी आपने पिट्ठू गोल गरम खेला? पिट्ठू गोल गरम वही ना, जो पत्थर रख के ऐसे करके गेंद मार के तो दौड़ जाते, मुझे क्या पता क्या होता है पिट्ठू गोल गरम। मैंने समझ लग रही बिलावल भाई केड़े महल्ले दे बच्चे ना खेड़ दे रहे। मेरी सारी जिंदगी बाहर गुजरी है जफरी डाले वाले। क्या सब शो के बाद आपने कराची ही जाना है? मुझे भी साथ ले जाए जरा। आपने समुद्र में डूब के मरना है। शाहजी, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो दिल में रह गई हो, पूरी ना हुई हो? आप शर्मा रहे हैं। गिदड़ गिदड़ी का विवाह हो रहा है क्या पूछ लिया मैंने? अंकल कहाँ जा रहे हैं? अच्छा चलिए शर्माइए, मत जवाब दीजिए। क्या पूछ लिया? ओहो, क्या पूछ बैठी है? मेरी ख्वाहिश ये थी कि मोहब्बत सची है, मैं आपका हीरो होता, वो गाना होता। मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावे, जीवा सो साथ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा इन दोनों से, क्योंकि ये सिंध के नुमाइंदे हैं। yes. सिंध में बंदा बोलता है, मुझे लगता है 1973 का बड़ा रेडियो चलने लग गया। और इसके साथ ही हमारे शो का वक्त खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।